और इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में भी हलचल है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आपात बैठक बुलाई है। पंजाब के सीएम की आपात बैठक सिद्धू के इस्तीफे के बाद है। हर कोई जानना चाहता है कि अब कांग्रेस पंजाब कांग्रेस के सियासी हलचल क्या है, क्या चल रहा है। इस वक्त इस खबर के साथ मेरे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़े हैं। शिवम, क्या अपडेट है? बिल्कुल, अपडेट ये है कि चरणजीत सिंह चन्नी अब सिद्धू से मिलने जा रहे हैं। 7:30 बजे वो पटियाला पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आपात बैठक भी बुलाई है और इस वक्त मैं कपूरथला हाउस में मौजूद हूँ। इसी पंजाब सीएम का हाउस और यहीं पर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह आ चुके हैं। हालांकि उन्होंने यहाँ मीडिया से बात नहीं की, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्होंने साफ तौर पर कहा, देखिए मेरी बात सत्य हुई, जिस तरीके से मैंने कहा था कि सिद्धू बॉर्डर स्टेट के लायक नहीं है, वो अस्थिर है, और वही बात प्रूव हो गई। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में माधुरी सबसे ज्यादा अगर फजीहत किसी की हुई है तो वो कांग्रेस आलाकमान है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं सिद्धू को न सिर्फ पार्टी में जगह दी बल्कि उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, सिटिंग सीएम को साइडलाइन किया, उसके बाद आज जिस तरीके से सिद्धू ने कहीं ना कहीं पार्टी आलाकमान को हिट विकेट किया है, ऐसे में कांग्रेस भी सकते में है। एक तरफ सिद्धू को आगे लाई थी, सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, दूसरी तरफ उनके सिटिंग सीएम जो जन नेता है यानी कि जिनका पंजाब में जनाधार है, वो पहले से ही पार्टी से नाराज हो गए। पार्टी ने जिस तरीके से उन्हें हटाया, अब कांग्रेस आलाकमान को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो पंजाब के जो आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे में उन चुनावों में किस तरीके से आगे आएंगे। एक तरफ तो बहुत जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम मेरे साथ जुड़ने के लिए।